अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बंगाली मुस्लिम जायके में चिकन वेजिटेबल की बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनाने वाले। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने चिकन स्किन के साथ ही इस वेजिटेबल रेसिपी को तैयार करना है, जो बहुत यूनिक बनने वाला है। चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने चिकन लिया है 700 ग्राम के करीब, और उसमें चिकन के स्किन को हमने इस्तेमाल करना है, जिसे हमने नहीं फेंकना है। उसके बाद हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से चिकन को धो लेना है। फिर हमने कुछ वेजिटेबल का इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमने बैंगन का इस्तेमाल किया। बैंगन को इस तरीके से लंबा साइज में काट लिए। आलू 2 से 3 को इस तरीके से मीडियम साइज में काट लेना है। साथ ही हमने गाजर को गोल गोल करके काट लेना है, और टमाटर और हमने मटर के दाने का इस्तेमाल करना है। कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट में हमने 1.5 प्याज को इस तरीके से बारीकी से काट लिए। 4 से 5 हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। खड़े मसाले, लौंग, दालचीनी, इलाच, लवंग और अदरक लहसुन को अच्छी तरीके से कस लेंगे, और 2 टमाटर को अच्छी तरीके से काट लेंगे। फिर हमने एक प्लेट में चिकन को सारे ऐड कर देना है। चिकन को हमने बहुत अच्छे से धो लिया था। अब हमने इसमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी के साथ चिकन को बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेट करना है। इसमें चिकन को 15 मिनट के लिए हमें छोड़ के रखना है, जिससे ये मैरिनेट का पोर्शन बहुत अच्छे से हो जाए। फिर सेम ही थाली में हमने आलू, गाजर, बैंगन को भी अच्छी तरीके से मैरिनेट करना है हल्दी नमक के साथ। हमने इस रेसिपी को चाइनीज स्टाइल में नहीं बनाएंगे, हम इसे इंडियन स्टाइल में बनाएंगे, जो बहुत ही मसालेदार और बहुत ही टेस्टी बनेगा। उसके बाद हमने फ्राई पैन को गरम कर लेना है, और उसमें कम से कम 2 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। फिर हमने बैंगन जो काटे थे वो सारे इसमें ऐड कर देना है। जब बैंगन ऐड हो जाएंगे, उसके बाद फिर हमने इसमें गाजर भी ऐड कर देना है। हमें सब्जियों का साइज एक ही तरह का बड़े साइज में रखना है, क्योंकि ये सब्जी जब फ्राई करेंगे तो हल्का गल ही जाएगा, और जब इसे चिकन वगैरह मसालों के साथ पकाएंगे तो ये बहुत जल्दी गल जाएंगे। इसलिए हमें थोड़ा बड़े साइज में रखना है। इसका दिखने में भी ये सब्जी बहुत अच्छा लगेगा। ये बैंगन और गाजर फ्राई हो चुके, फिर हमने आलू को भी फ्राई कर लेना है, और कुछ बचे हुए गाजर भी ऐड कर देंगे और उसे भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। दो तरफ पलटा के अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना। जब फ्राई हो जाएंगे निकाल लेंगे। फिर हमने सेम फ्राई पैन में और 1 चम्मच के करीब तेल ऐड करेंगे। फिर सारे चिकन के पीसेस उसमें ऐड कर देंगे। चिकन को बहुत अच्छी तरीके से एक तरफ हमने फ्राई करना है, फिर दूसरे तरफ भी फ्राई करेंगे। ये चिकन जितने अच्छे से फ्राई होंगे, उतनी ही अच्छे से ये रेसिपी भी बनेगा। जब हम स्किन के साथ चिकन फ्राई करते हैं, तो अपने आप स्किन से बहुत ज़्यादा तेल निकलना शुरू हो जाता है। वो तेल हम इस रेसिपी में यूज़ करेंगे। फिर हमने क्ले पॉट को गर्म करना है, और उसमें 3 तेज़पत्ता ऐड करेंगे, साथ कुछ खड़े मसाले जिसे हमने हमाल देसी में थोड़ा ठोक लिया है। उसके बाद उसको फ्राई करेंगे। फिर हमने उसमें कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च को सारे ऐड कर देंगे। फिर हमने इसे बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करना है। यह हल्का जब अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगे, फिर हमने इसमें जो कसा हुआ अदरक है उसे भी ऐड कर देंगे। ये भी प्याज और मिर्ची के साथ बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगे। इसको भी हमें 5 से 10 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करते रहना है, जब तक इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। फिर हमने इसमें कटा हुआ टमाटर भी ऐड कर देंगे। हमने 3 टमाटर लिया है, जिसको इस तरीके से काट के इसमें ऐड कर दिया। टमाटर का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इस रेसिपी में। हमने बहुत अच्छी तरीके से टमाटर को हल्का गला लेना है। टमाटर बहुत अच्छी तरीके से गल जाएंगे, तब हमने इसमें मसाले ऐड कर देना है, जैसे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। मसालों को हमें बहुत अच्छी तरीके से टमाटर के साथ मिलाकर पका लेना है। मसालों को जितने अच्छे से पकाएंगे, उतने अच्छे से ये रेसिपी बनकर तैयार होगा। फिर हमने 1 चम्मच के करीब नमक ऐड कर देना है। नमक को बहुत अच्छी तरीके से मसालों के साथ मिला लेना है। उसके बाद इसको बहुत अच्छी तरीके से और 5 मिनट तक कसेंगे। उसके बाद फिर इसमें मटर और धनिया पत्ता ऐड कर देंगे। फिर हमने मटर और धनिया पत्ता को भी इस टमाटर के पेस्ट के साथ बहुत अच्छी तरीके से मिलाते रहना और कसना है। फिर हमने इसमें जो फ्राई किए हुए आलू, गाजर है सारे ऐड कर देंगे। बैंगन नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि बैंगन तो अच्छे से गल चुका है, उसे लास्ट में ऐड करेंगे।
आलू और गाजर को हमें बहुत अच्छी तरीके से मिलाकर कसते रहना है जब तक यह हल्का अच्छी तरीके से ना गल जाए। पहले हमने आलू और गाजर को फ्राई किया था लेकिन हमें इसे अच्छी तरीके से कसते कसते गलाना है। फिर हमने इसमें चिकन भी सारे ऐड कर देना और जो स्किन से निकला हुआ ऑयल है उसे भी ऐड कर देंगे, उसका भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। फिर हमने इस चिकन के साथ ही इनको बहुत अच्छी तरीके से कसते रहना है, इतने अच्छे से कसेंगे जिससे ये बहुत अच्छे से गल जाए हल्का। फिर हमने इसमें हाफ ग्लास के करीब पानी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हिलाएंगे, उसके बाद इसे धीमी आंच में ढक के रखेंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। फिर उसके बाद ढक्कन खोलकर देखेंगे। देखिए रेसिपी बहुत हद तक आलू और गाजर बहुत अच्छे से गल चुका है, इसे और ज़्यादा कसने की ज़रूरत नहीं है। बस अब हमने इसमें 1.5 ग्लास के करीब पानी ऐड कर देना, क्योंकि हमने इसमें पानी को बहुत ज़्यादा ही रखना है, ज़्यादा मतलब इसे करी वाली सब्जी बनानी है। थोड़ा सा हिलाएंगे, उसके बाद फिर इसमें फ्राई किए हुए सारे बैंगन भी ऐड कर देंगे। ये सब्जी रियली बहुत डिलीशियस बनने वाली है, बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी सब्जी है। बच्चे यदि सब्जी खाना नहीं पसंद करेंगे वो भी चिकन के साथ अगर सब्जी को इस तरीके से बनाएंगे बच्चे भी खाना बहुत पसंद करेंगे। फिर हमने इसमें धनिया पत्ता भी थोड़ा ऐड कर देना, थोड़ा हल्का इसको हिला लेंगे, ज़्यादा हिलाएंगे नहीं। उसके बाद इसे धीमी आँच में कम से कम बॉयल आने तक ढक के रखेंगे। उसके बाद थोड़ा ढक्कन खोल के देखेंगे जे ये सब्जी बहुत अच्छे से गल चुका है, और इसे धीमी आँच में 10-15 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। उसके बाद फिर हम ढक्कन खोलकर देखेंगे, ये रेसिपी रियली बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार हो चुका है। इसे हम दोपहर के वक्त चावल के साथ या रोटी के साथ खाएंगे तो आपको खाने में बहुत अच्छा लगेगा। इसका टेस्ट ही बहुत अच्छा है, ये दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें एक अलग सा फ्लेवर आया है। इस सब्जी को बनाने के लिए कम से कम 1.5 घंटे का समय लगा है, लेकिन ये सब्जी बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, इसको आप ज़रूर एक बार ट्राई करना। ये गाजर के साथ इसका एक अलग सा ही स्वाद आता है। अगर आपको मेरा सिंपल सा रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और फीडबैक देना मत भूलना। इसके बाद मैं एक और नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखना।